Dear students, today I am going to explain lesson 16 in MCB, the fun they had. The fun they had, explain करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed May 17, 1157. She wrote. Today, Tommy found a real book. मार्गी एक लड़की है और लिखती है डायरी में अपना उस रात को डायरी में मार्गी लिखती है. डायरी लिखते समय सबसे पहले ऊपर में डेट दिया जाता है, इसीलिए वो डेट देती है 17 मई 2157 और वो आगे लिखती है अपनी डायरी में, आज टॉमी ने एक रियल बुक पाई. ए साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन में साइंस के टेक्नोलॉजी के जमाना में जो भी बुक होता है, जो भी स्टोरी होता है, सब कंप्यूटर या स्क्रीन पर लोडेड होता है. लेकिन ए एक रियल बुक पाई, पेज वाली बुक पाली टॉमी, ऐसा दिख रही है मार्गी. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, there was a time when all the stories were printed on paper. ये एक सचमुच में अच्छी बुक थी. मार्गी के दादाजी एक बार कहा करते थे मार्गी से कि जब हम बच्चे थे, मार्गी के दादाजी कहते थे कि जब हम बच्चे थे उस समय स्टोरी तो हुआ करता था, लेकिन वो स्टोरी सचमुच पेपर में प्रिंट होता था. तुम्हारे स्क्रीन पर आज प्रिंट होता है, हमारे जमाने में पेपर पर प्रिंटेड रहता था. उनके दादाजी का स्टेटमेंट है. दे टर्नेड द पेज विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज अवे फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोजेड टू ऑन योर स्क्रीन यू नो. And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. इन लोगों ने, टॉमी और मार्गी दोनों मिलकर के पेज को टर्न कर रही है और उलट रही है पेज दर पेज. पेज का कलर बताया जा रहा है कि पीला हो गया था, क्रिंकली हो गया था, सड़ा सा हो गया था. उसमें जो वर्ड लिखे हुए थे वो बहुत ही फन्नी थे, ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत ही भद्दे लग रहे थे. इन लोगों ने कहा कि इससे तो अच्छा हमारे स्क्रीन पर स्टोरी रहता है, मेरे टेलीविजन के स्क्रीन पर, मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर स्टोरी रहता है. गी सेड टॉमी व्हाट ए वास्ट When you are throw with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. टॉमी बोला कि कितना गंदा ये बुक है. When you are throw with the book, you just throw it away. यदि तुम इस बुक को पाओगे तो तुम इस बुक को जरूर फेंक दोगी. टॉमी ने बोला मार्गी से. I guess मैं अनुमान करती हूँ our television screen must have had a million books. हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर जरूर बहुत सारे बुक होंगे, लेकिन उन सारे बुक से एक बहुत अच्छी बुक है, मैं इसको नहीं फेंक सकती हूँ. ए मार्गी ने जवाब दिया. टॉमी इस बुक को फेंकने के लिए बोली मार्गी से, लेकिन मार्गी बोली कि मैं इस बुक को नहीं फेंकूंगी. सेम विथ मान सेड मार्गी. मार्गी बोली ठीक है, मेरे तरह ही तुम भी जवाब दी, मैं भी नहीं फेंकना चाहूंगी. सी वॉज 11 एंड हैड सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. वो 11 साल की लड़की थी मार्गी. वो कही कि ए बुक बहुत अच्छी बुक है. ही वॉज 13 लेकिन टॉमी लड़का है. टॉमी बोला टॉमी 13 साल का है. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. मार्गी पूछती है टॉमी से इस बुक को तुम कहाँ पाया. इन माय हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग इन द एक किट.
टॉमी ने जवाब दिया कि मैं इस बुक को अपने अपने रूम में अपने घर में पाया हूँ, और वह पढ़ने में व्यस्त रहने के कारण उसने इधर उधर संकेत नहीं किया, पॉइंटेड नहीं किया कि उस रूम में उस घर में। केवल जवाब दे दिया कि इसे मैं अपने घर में पाया हूँ, और वो पढ़ने में व्यस्त रहा। भाटी जी जवाब, मार्गी पूछती है कि किस चीज के बारे में किताब है, तो टॉमी जवाब देता है यह स्कूल के बारे में किताब है। मार्गी वाज अ स्कॉर्नफुल। स्कूल? मार्गी डर गई स्कूल के नाम से, वो घबरा करके बोली, स्कूल? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? बताओ तो तुम्हारे जो बुक मिली है, इस बुक में क्या लिखा हुआ है स्कूल के बारे में? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, किंतु अब वह ज्यादा नफरत करने लगी है पहले की तुलना में। क्यों ज्यादा नफरत करने लगी है, इसका रीजन जानो। दी मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड सी हैड बिन डूइंग रॉस एंड रॉस अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। इसीलिए वो नफरत करती है मार्गी अपने स्कूल से, क्योंकि मैकेनिकल टीचर इसको बार बार टेस्ट लेते रहते हैं ज्योग्राफी में, और ये अच्छा नहीं कर पाती है, और यही कारण है कि इसकी माँ बहुत उदास रहती है, बहुत सोर्रो रहती है, और यही सोर्रो रहने के कारण उसने उसकी माँ ने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया स्कूल ऑफिस में। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टूक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन बीच ऑल द लेसन्स वेयर सोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। मार्गी के सामने बुलाया गया इंस्पेक्टर को स्कूल ऑफिस में, कंट्री इंस्पेक्टर को। उसकी माँ भी है, कंट्री इंस्पेक्टर हैं, और स्कूल टीचर हैं। एक कंट्री इंस्पेक्टर, ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, एक छोटा नाटा आदमी था, विथ ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, और उसके हाथ में बॉक्स थे, उस बॉक्स में औजार भरे हुए थे, डाइल्स भरे हुए थे, और कारें भरी हुई थी। वह मुस्कुराता हुआ मार्गी के पास आया, स्कूल इंस्पेक्टर कंट्री इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ मार्गी के पास आया, और मार्गी को एक एप्पल दिया खाने के लिए, और फिर उसने टीचर को अलग किया वहां से। मार्गी होप्पेड, ये बहुत अच्छा हुआ, मार्गी ने आवाज़ किया कि टीचर को यहाँ से चला दिया गया, ये बहुत अच्छा हुआ। किंतु एक घंटे के बाद फिर से टीचर को अंदर बुलाया गया, और टीचर को बुलाने के बाद उसे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया, मार्गी के लिए क्वेश्चन दिया गया, मार्गी को स्कूल ऑफिस में टेस्ट लिया जा रहा है। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Question दिया गया, Margie उस question को solve की, और जब पूरा solve हो गया तो मैकेनिकल टीचर ने जल्दी जल्दी से उसका मार्क्स कैलकुलेट कर दिया, जोड़ दिया कितना नंबर, मार्गी उठाई 100। इसका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है इसके टेस्ट का। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिशेड एंड पैटेड मार्गी से हेड। इंस्पेक्टर मुस्कुराए मार्गी के रिजल्ट के ऊपर, और मार्गी के हेड को थपथपाए। ही सेड टू हर मदर, इंस्पेक्टर ने मार्गी के माँ से बोली, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉट मिस जॉन्स। उसकी माँ का नाम मिस जॉन्स है, और स्कूल इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि यह बच्ची का कोई गलती नहीं है मिस जॉन। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज ग्रेड ए लिटिल टू क्विक,
Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year endeavor. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. स्कूल इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ को समझाया. क्या समझाया जो सुनो. स्कूल इंस्पेक्टर ने कहा कि छोटी सी बच्ची का कोई कसूर कोई दोष नहीं है मिसेज जॉन. ये बहुत रनिंग में बहुत स्पीड में सेट किया गया था. इसके लेवल का नहीं था. ये 10-year-old का लेवल का है जबकि इसका उम्र अभी 6 साल होने ही वाला है. तो इस लड़की का कोई दोष नहीं है. स्कूल इंस्पेक्टर ने समझाया. इससे अनुभव होता है कि मार्गी कम नंबर उठाई थी. लेकिन स्कूल इंस्पेक्टर ने समझाया मार्गी की माँ को कि इसके लेवल का नहीं था. और मार्गी के पीठ को एक बार फिर मार्गी के सर को एक बार फिर स्कूल इंस्पेक्टर ने दुलार से प्यार से थपथपाया शाबाशी दिया. मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड. मार्गी निराश थी. She had been hoping they would take the teacher away altogether. मार्गी सोच रही थी कि अभी तो टीचर को यहाँ से अलग हटा दिया जाए. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार स्कूल इंस्पेक्टर ने एक कंट्री इंस्पेक्टर ने इस टीचर को 1 महीना के लिए सस्पेंड कर दिया था जब बच्चों ने इस टीचर के प्रति कंप्लेन किया था. तब वही आशा ये रख रही थी मार्गी कि शायद इस बार फिर इस टीचर को सस्पेंड कर दिया जाए. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड नॉट एनीवन राइट अबाउट स्कूल. उसकी माँ ने पूछी, मार्गी ने पूछी टॉमी से, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई लिखता है स्कूल के बारे में. मार्गी ने पूछी टॉमी से कि क्यों कोई लिखता है स्कूल के बारे में. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल सिल्ली. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. ही एडेड लवली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सेंचुरीज अगो. टॉमी उसको जवाब देता है. ये मार्गी को जब मार्गी पूछी थी कि क्यों कोई लिखता है स्कूल के बारे में तब टॉमी ने उसको जवाब दिया. उसको ध्यान से देखते हुए कहा टॉमी ने कि बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे तरह स्कूल नहीं है. हमारे जमाने में जो स्कूल है वैसा स्कूल पहले नहीं था. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. इस बुक में जिस स्कूल का वर्णन किया गया है वो बहुत ही पुराने टाइप का स्कूल है. दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. सौ सौ साल पुराने स्कूल के बारे में लिखा गया है. उसने सौ सालों सौ सौ को प्रोनाउंसिएट करने के लिए सेंचुरी जेगो कहा. सदियों पुराना ये बुक है और सदियों पुराना स्कूल का वर्णन है इस बुक में. मार्गी वाज हर्ट. मार्गी को बहुत दुख हुआ. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर. मार्गी को बहुत दुख हुआ पुराने स्कूल के बारे में जानकर. वह अपने कंधे पर रखी हुई बुक को पढ़ना चाह रही थी. देन सहजता हुआ बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर. क्या पहले भी टीचर रहते थे स्कूल में.